अस्सलामुअलैकुम फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग? सुबह उम्मीद करते हैं सभी खैर और खैरियत से होंगे। नहीं आज का जो सीन कुछ ऐसा था कि मैंने सुबह से सोचा होता व्लॉग बनाने का, लेकिन मुझे फिर पता चला कि यार मेरी फार्मेसी की तो टाइमिंग ही चेंज हो गई, जिसकी वजह से मैं सुबह व्लॉग नहीं बना पाया। सो भाई मैंने बोला यार आज तो बनाना लाजमी होगी, इस हफ्ते में सिर्फ एक व्लॉग का है। अगर तुम लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना, आई बटन में मैं लगा दूंगा उसका लिंक। सीन कुछ ऐसा है कि आज है सैटरडे, तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। तो अभी जाता हूँ जिम और करता हूँ अपना बैक का वर्कआउट। मैं पहली एक्सरसाइज करने वाला हूँ बारबल रोस अंडर हैंड ग्रिप। सो अभी उसका वार्म अप ही ले रहा था, वार्म अप लेने के बाद उसको करते हैं फिर स्टार्ट। करने जा रहा हूं अपनी सेकंड एक्सरसाइज फॉर द बैक, जो के है चिन अप। एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, तो अभी चलते हैं घर। मैंने जो सोचा था कि मैं जाके ना स्क्वाट और बैक का वर्कआउट करूंगा, तो भाई मैंने बैक का तो वर्कआउट कर लिया अच्छे से, मुझे बहुत मजा आया। तो यार मेरे से स्क्वाट लगी नहीं, फिर मैंने छोड़ दी उसको। मेरा ना फिर अगले सेशन में उसको इंक्लूड कर देंगे स्क्वाट को। फिर भी मैंने लेग एक्सटेंशन और बैक लेग कर लगा ली। अभी मैं करता हूँ अपना डिनर। डिनर करने के बाद सीन बनाते हैं कहीं बाहर वाहर जाने का, बाइक पे थोड़ी फ्री राइडिंग कर कर आते हैं। था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने तुम अपने बैग का वर्कआउट बताया था। अगर तुम्हें अपने बैग का साइज और थिकनेस दोनों बढ़ानी है, दोनों को इम्प्रूव करना है, तो तुम्हें एक एक्सरसाइज बता देता हूँ जो लगाना, तो तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे बैग के वर्कआउट में। वो एक्सरसाइज है केबल रोस, उसको तरीके से लगाना अच्छे से, तो तुम्हें उसको लगाने के बाद मसल भी फील होगा और तुम्हें उससे रिजल्ट भी मिलेंगे। सो भाई अभी टाइम हो चुका है 11, इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।